नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अंश एस्ट्री गुरु में। मैं हूं आपका दोस्त सनी। दोस्तों, कानपुर यूनिवर्सिटी के जो आपके बीए, बीएससी और बीकॉम और एमकॉम, एमएससी, एमए, एमकॉम के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि उनके वार्षिक परीक्षा यानी कि उनके वार्षिक एग्जामिनेशन 2023 के जो हैं वो 25 अप्रैल से कराए जाएंगे। साथ ही में उनका बैक पेपर का भी कुछ स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन कराया जाएगा, वो भी 25 अप्रैल को कराए जाएंगे। तो चलिए फुल डिटेल्स में देख लेते हैं, फुल डेट शीट देख लेते हैं, फुल टाइम टेबल देख लेते हैं कि किस डेट को कौन सा एग्जामिनेशन कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेंशन किया गया छात्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, यहाँ मेंशन किया गया है सूचना लिखा है तद्वारा आदेश सत्र 2022 और 23 के स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष के प्रश्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष के वार्षिक तथा बीएड एमईएड द्वितीय वर्ष वार्षिक परीक्षा के संस्थागत व्यक्तिगत बैक पेपर की मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध किया जा रहा है, जिसके अनुसार उक्त परीक्षाएं 25 अप्रैल दिन मंगलवार से प्रारंभ की जाएंगी। बताया जा रहा है कि यूजी और पीजी के द्वितीय और प्रथम सेमेस्टर के जो आपके एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन 25 अप्रैल से कराई जाएगी। जैसा कि कुछ यहाँ नीचे आपका टोटल 47 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जैसे बीए स्टूडेंट अगर आप आए तो आप यहाँ देख लीजिए, लिखा है द्वितीय वर्ष के जो आपके बैक पेपर के एग्जामिनेशन है वो 25 अप्रैल से कराए जाएंगे। अर्थशास्त्र आपके एग्जाम पैटर्न क्या होंगे, सब्जेक्टिव टाइप का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप वाले स्टूडेंट को भी बताया जा रहा है कि बीए थर्ड सेमेस्टर बीडीए द्वितीय वर्ष वालों का इनका ऑब्जेक्टिव होगा। फिर वहीं गुरुवार को आप यानी कि 27 अप्रैल को ऑब्जेक्टिव होंगे प्रथम सेमेस्टर वालों के। तो इसी प्रकार से सब कुछ मेंशन किया गया, आप धीरे धीरे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा भी, कुछ लोगों को बता भी देता हूं कि आपके एग्जामिनेशन किस पैटर्न पर होंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, बीए तृतीय वर्ष के जो भी स्टूडेंट हैं उनका एग्जामिनेशन 25 अप्रैल को मंगलवार सैन्य अध्ययन है और इनका सब्जेक्टिव होगा प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम सेमेस्टर वाला स्टूडेंट के। 26 को बुधवार समाजशास्त्र, इनका भी सब्जेक्टिव होगा। वहीं 27 अप्रैल में देखिएगा गृह विज्ञान का, इनका ऑब्जेक्टिव द्वितीय वर्ष का पूछा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर पूछा जाएगा। दोस्तों, ये टोटल 47 पेज का है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें आपके देखिए बीकॉम स्टूडेंट के लिए भी 25 अप्रैल को कराए जाएंगे, 11 बजे से 2 बजे तक एग्जामिनेशन होंगे और सब्जेक्टिव होंगे कि ऑब्जेक्टिव होंगे वो भी मेंशन किया गया है। आप फुल डिटेल में देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पेज की। अब बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं उनका भी 7 बजे से 10 बजे तक इनका एग्जामिनेशन चलेगा 25 अप्रैल से। इनका भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र इनका सब्जेक्टिव होगा और एडिटिंग का द्वितीय ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसी प्रकार से और भी नीचे स्क्रॉल करेंगे आएंगे तो फिर यहाँ देखिए बीएड और एमईएड सेकेंड ईयर बैक पेपर ईएक्स स्टूडेंट के लिए इनका 15 यानी कि मई से कराया जाएगा, 15 मई से कराया जाएगा, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर आपके बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का एग्जामिनेशन 25 अप्रैल से कराया जाएगा और इनका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नहीं बताया गया किस प्रकार के एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। हालांकि आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के देखिएगा 3 मई से कराए जाएंगे, यहाँ भी आप नोट कर सकते हैं या पूछ करके वीडियो को लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं बीएससी द्वितीय वर्ष के बैक पेपर स्टूडेंट के लिए, ये भी आपके 25 अप्रैल से कराए जाएंगे, सब्जेक्टिव होंगे, जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको फुल डिटेल्स में बता दे रहा हूँ और 47 पेज का है नोटिफिकेशन। दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप डाउनलोड करके आप प्रिंट कर लीजिएगा, जो भी आपके कोर्सेज हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट वाइज आप प्रिंट करा के आप अपने पास में रख सकते हैं। आप प्रिंट कहाँ से कराएंगे, आप साइबर कैफ़े पे भी जा सकते हैं, नहीं तो ये डाउनलोड करके पीडीएफ खुद आप किसी चीज़ में रख सकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं अंश एस्ट्री गुरु के माध्यम से। और अगर कोई और भी सुझाव व्यक्त देना चाहते हैं, सुझाव कर देना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं अंश के 5586 पर। उसी साथ में एमएससी की भी बात कर लेते हैं। एमएससी वाले स्टूडेंट का भी यहाँ बैक पेपर का दिया गया 25 अप्रैल से कराया जाएगा और धीरे स्क्रॉल करेंगे और नीचे जाएंगे तो फिर यहाँ आपके एमएससी का भी दिया हुआ है। एमएससी के बाद ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है बीए, बीएससी, एमएससी, एमपीएड, एमबीएड और इसी प्रकार से सारा कुछ दिया। टोटल 47 पेज का ये नोटिफिकेशन है। तो इसी प्रकार से नोटिफिकेशन पाने के लिए, नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल अंश एस्टडी गुरु से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।